उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसान को मारने वाला तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद। 48 घंटे में कर चुका था दो बड़े हमले। किसान की गर्दन और चेहरा खा गया था तेंदुआ। दहशत के बीच क्षेत्र के ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। कल घटना के पश्चात ही मौके पर मौजूद थे एसडीएम मोतीपुर संजय कुमार और सीओ हीरालाल कनौजिया। पिंजरे में कैद तेंदुए का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच जिले के कतनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के ककराहा रेंज में एक गांव में रविवार को खेत में काम कर रहे एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। युवक के मौत के पश्चात ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की थी। वन विभाग की ओर से गांव के पास लगाए गए पिंजरे में देर रात एक तेंदुआ कैद हुआ है। सूचना पर पहुंचे वनकर्मी उसे रेंज कार्यालय लेकर आए हैं। मुर्तिया कोतवाली अंतर्गत आने वाले ककराहा रेंज के नोबना जंगल से सटे धर्मपुर बेझा के मजरे मेकूपुरवा में रविवार दोपहर में लगभग 1 बजे तेंदुए ने 35 वर्षीय कंधाई पुत्र जगजीवन पर हमला कर दिया था। हमले में युवक की मौत हो गई थी। ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला था, जिसके पश्चात वन विभाग की ओर से देर शाम पिंजड़ा लगाया गया था। सोमवार की सुबह करीब 3 बजे पिंजड़े में बंधी बकरी के शिकार के चक्कर में आदमखोर तेंदुआ पिंजड़े में कैद हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वनकर्मियों को दी। जानकारी पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को लेकर रेंज कार्यालय पर आई है। कतनियाघाट वन्य जीव प्रभाग के वनाधिकारी बी शिवशंकर ने बताया, वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजड़े में एक वयस्क तेंदुआ कैद हुआ है। उसे रेंज कार्यालय लाया गया है, जहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। वहीं कल तेंदुए के हमले में किसान की मौत के पश्चात घटना की सूचना पर उप जिलाधिकारी मेहपुरवा संजय कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी हीरालाल कनौजिया, मुर्तिहा कोतवाल अमितेंद्र सिंह, ककराहा वन दरोगा अशोक कुमार श्रीवास्तव सहित वन टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस क्षेत्राधिकारी हीरालाल कनौजिया सहित पुलिस टीम व वन विभाग की टीम दलबल के साथ देर रात तक गांव में ही कैंप करती रही। रात लगभग 9 बजे पिंजड़ा वन विभाग के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के साथ ककराहा क्षेत्राधिकारी डीपी कनौजिया भी गांव पहुंचे। घटनास्थल तथा ग्रामीणों द्वारा बताए गए जंगली जीव के मूवमेंट स्थल पर गांव के बाहर खेत में वन विभाग के द्वारा पिंजड़ा लगवाया गया था, जिसमें तेंदुआ कैद हो गया है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। एक पास और आ गया है।